हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की वीडियो बनाया जा रहा है। चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन। प्रश्नावली बनाया जा रहा है 1G, ठीक है, 1G बनाया जा रहा है। 1G का ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने पार्ट 2 बनाए थे, भाग 1 भाग 2। इसमें 7 क्वेश्चन कवर किया था, इसमें भी 7 क्वेश्चन। मिलाकर देखा जाए तो 14 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया था 2 भागों में। लेकिन पार्ट 3 में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 21 तक। पूरे के पूरे प्रश्नावली 1G को हम पार्ट 3 में खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हर्षरूप शर्मा द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जितने विद्यार्थी हर्षरूप शर्मा के बुक से पढ़ रहे हैं वो ध्यान से समझे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे लिख दिया है, मैंने पहले से ही लिखा है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रमक है। ये चीजें हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बस समझना है आपको कि कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें a बराबर दिया गया है ये समुच्चय ले लेते हैं। माना a बराबर 1, 2, 3 ये दिया गया है, साथ में हमें r बराबर भी दिया है। प्रदत्त फलन लिखेंगे r बराबर 1, 2 और 2, 1, ठीक है। ये दो चीजें हमें दिया गया है। अब इसके अनुसार हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्वतुल्य निकालेंगे। स्वतुल्य के लिए लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए। तो देखिए स्वतुल्य कब निकलेगा, जो हमारा समुच्चय a दिया गया है 1 स्वयं 1 के बराबर होना चाहिए, जबकि इसमें कहीं नहीं दिख रहा है 1, 1। 2, 2 के बराबर होना चाहिए, 2, 2 कहीं नहीं है। 3, 3, 3 नहीं है। तो लिखेंगे 1, 1 नॉट बिलोंग टू r, ये 1, 1 में नहीं, r में नहीं है। 2, 2 नॉट बिलोंग टू r, 3, 3 नॉट बिलोंग टू r। अगर ये मौजूद नहीं है हमारा r में तो ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। जो स्वयं के बराबर है अगर वो नहीं है तो ये बराबर नहीं है। बात करते हैं सेकंड, सममित के लिए चेक कर लेते हैं। अब सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए देखेंगे 1, 2 बिलोंग टू r। क्या 1, 2 r में मौजूद है, 1, 2 r में मौजूद है। तो 2, 1 भी बिलोंग r में मौजूद होना चाहिए तभी ये सममित होगा। तो देखिए 2, 1 भी मौजूद है तो ये क्या है, सममित है, ठीक है। सेकंड नंबर सममित है। चलिए अब संक्रमक देखते हैं। तो थर्ड संक्रमक के लिए, इसके लिए भी देखेंगे कि क्या ये संक्रमक है या नहीं। तो देखेंगे 1, 2 बिलोंग टू r, 2, 1 बिलोंग टू r, ये दोनों तो मौजूद हैं, लेकिन लेकिन 1, 1 बिलोंग टू r, मतलब ये r में मौजूद 1, 1 नहीं है, इसलिए r संक्रमक नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा कि सममित है, स्वतुल्य नहीं है और संक्रमक नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन में बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहां पे दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x बिलोंग टू z कोलन 0 x 12, मतलब x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 और 12 के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला r बराबर ab कोलन a माइनस b 4 का गुणज है। सेकंड r बराबर ab a बराबर b, ये दो चीजें दिया गया। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, लिखने के बाद हल करेंगे। लास्ट में बोला गया है प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो जो दिया गया वो लिखेंगे। हमें दिया गया a बराबर, ए बराबर जो दिया गया वो चीजें हम लिख लेते हैं। ए बराबर दिया गया है एक्स बिलोंग टू जेड कोलन 0 x 12, ये चीजें हमें दिया गया। तो ये चीजें मैंने क्या किया, लिख लिया, ठीक। इसके बाद
इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 0 और 12 के बीच में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक, 12 तक लिखेंगे। इस a का मतलब हो गया। साथ में ये चीजें तो हमें दिया गया। अब हम लेंगे पहला नंबर का क्वेश्चन। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, r बराबर ए बी कोलन ए माइनस बी चार का गुणज है, तो हम चार के गुणज के लिए ये ज्ञात करेंगे। ए बी कोलन ए माइनस बी, ये क्या है, चार का गुणज है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करके निकालेंगे। अगर वन रखेंगे तो फाइव आएगा, वन रखेंगे तो नाइन आएगा। ये कैसे रख रहे हैं आप सभी को पता होगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। इसलिए कहते हैं कि आप हमारे वीडियो पर डे देखिए, ताकि आपको बेसिक समझ में आएगा, तो ये चीजें समझ में आएगा कि कैसे मैं रख रहा हूं। फिर टू रखेंगे तो सिक्स आ जाएगा, फिर टू रखेंगे तो टेन आ जाएगा, क्योंकि चार का गुणज है, चार का गुणज करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। थ्री रखेंगे तो सेवन आ जाएगा इस तरह से, फिर थ्री रखेंगे तो इलेवन आ जाएगा, फिर फोर रखेंगे तो एट आएगा, फिर फाइव रखेंगे तो नाइन आ जाएगा, फिर सिक्स रखेंगे टेन आ जाएगा, इस तरह से हम रखते चलेंगे, और बारह रखेंगे तो बारह आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अनुसार हम ज्ञात करेंगे कि आर स्वतुल्य होगा। ये कब होगा स्वतुल्य, ये समझिए, आर स्वतुल्य तब होगा जब ए में से ए को घटाएंगे तो क्या आएगा, फोर के। अब ये ए में से ए घटाने पर तो जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे k बराबर जीरो, k का मान अगर जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, 4k और k बराबर जीरो, ये स्वतुल्य हो गया। अब दूसरा देखते हैं, r सममित होगा। अब ये सममित क्यों होगा, ये समझिए, क्योंकि a माइनस बी बराबर बी माइनस ए, ये दोनों आपस बराबर है, बराबर 4k के, इसलिए ये सममित होगा। तीसरा देखिए, r संक्रमक होगा। अब क्यों होगा ये समझिए, क्योंकि a माइनस सी बराबर है a माइनस बी के, अब प्लस बी माइनस सी के, इसलिए r क्या होगा, संक्रमक होगा। अब और समझ लीजिए, a माइनस बी और b माइनस सी जब चार के गुणज होंगे तभी ये चीजें फॉलो होगा। तो a माइनस सी भी चार का गुणज है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये एक तुल्यता संबंध को बनाएगा, क्योंकि हमारा सममित, स्वतुल्य और संक्रमक तीनों है, तो ये क्या है, तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता संबंध को बनाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखिए, उसी का सेकंड क्वेश्चन जो था उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे a बराबर a, मतलब a बिलोंग टू कैपिटल a, ए क्या हमारा कैपिटल ए में मौजूद है, और ए हमारा क्या है, ए हमारा एक समुच्चय के लिए बोला गया था। ठीक, तो यहां पे मैंने ले लिया कि ए एक अवयव है। यदि ए बराबर ए स्वयं के बराबर होगा तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्लियर है, तो ये हो गया पहला स्वतुल्य के लिए। अब दूसरा देखिए सममित के लिए, तो लिखेंगे माना कि ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, तो ए बराबर बी, ए बी अगर आर में मौजूद है तो ए बी के बराबर होगा, तो बी ए के बराबर होगा, मतलब ए बी के बराबर है तो बी ए के भी बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं बी ए बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, तो बी ए बिलोंग टू आर, ये भी मौजूद होगा, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। तो इससे क्या मिल रहा है कि आर सममित है, हो गया सेकंड के लिए। अब बात करते हैं संक्रमक के लिए। तो देखिए माना ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, ये दो चीजें अगर बिलोंग टू आर में मौजूद है तब ए बराबर बी और ये बी बराबर सी, इसको मौजूद करेगा बराबर को। ठीक, तो ए बराबर सी या ए सी बिलोंग टू आर, ए बराबर सी को कब करेंगे, जब ए सी बिलोंग टू आर होगा। जैसे ए बराबर बी है तो क्या लिखें, ए बी बिलोंग टू आर लिखें, बी बराबर सी को बी सी बिलोंग टू आर लिखें, उसी तरह से ए बराबर सी को ए सी बिलोंग टू आर लिखेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ए बराबर बी बराबर सी तीनों आपस में बराबर, तो ये संक्रमक होगा। तो
तो ये संक्रमक होगा। अगर ये संक्रमक है तो ये एक तुल्यता संबंध को बना रहा है, तो लिखेंगे R एक तुल्यता संबंध है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में r बराबर ए बी कोलन ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे के संबंधित हैं। ठीक, फिर आगे बोला है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। ये चीजें क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो a का मान दिया गया, आर का मान दिया गया, इन दोनों को हम ले लेते हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या चीजें दिया गया है, a बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, ये चीजें दिया गया है। साथ में r बराबर दिया गया था ए बी कोलन ए माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी ये था मॉड में, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। ये चीजें तो हमें दिया गया है, तो वही चीजें मैंने ले लिया। ठीक, अब इस सम संख्या के अनुसार अगर हम वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेंगे तो जो वैल्यू रखेंगे तो वो क्या आएगा समझ लीजिए। अगर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह से फिर 3 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा विषम संख्या के लिए, फिर 5 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे 4 आ जाएगा और 3 रखेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें r का वैल्यू पता चल गया, जिससे हमें कंपेरिजन करना है। अब लेते हैं a नंबर पहला हम स्वतुल्य के लिए लेंगे, तो r हमारा स्वतुल्य होगा। अब ये क्यों होगा या स्वतुल्य है, क्यों है ये समझिए, क्योंकि a माइनस a मॉड a माइनस a 0 के बराबर होगा और ये सम संख्या है। ठीक है, a माइनस a बराबर 0 जो सम संख्या है, तो a माइनस a को हम a बराबर a भी लिख सकते हैं जो स्वयं के बराबर है, इसलिए ये स्वतुल्य होगा। बात करते हैं सेकंड हम सममित के लिए बात करेंगे, तो r सममित भी होगा, क्यों होगा ये समझिए, r सममित है क्यों होगा समझिए, a माइनस b जो बराबर होगा वो b माइनस a के भी बराबर होगा, क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या है, a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर होगा क्योंकि वो सम संख्या, इसलिए ये सममित भी होगा। बात करते हैं थर्ड, तो थर्ड देखिए r संक्रमक भी होगा, संक्रमक है। अब ये क्यों है ये समझिए, a माइनस सी मॉड अर्थात a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, अगर हम b से b कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस सी मिलेगा, जो कि a माइनस सी हमें यहाँ पे दिख रहा है, या यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ a माइनस सी ही मिलेगा, कितना a माइनस सी मिलेगा, क्लियर है। जब a माइनस सी मिलेगा तो ये क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है, सम संख्याएं, ठीक है, ये सम संख्या मिल रहा है, इसलिए a माइनस सी भी सम संख्या है, सम संख्या है, ये हो जाएगा संक्रमक के लिए। तो a नंबर आपको समझ में आ गया, चलिए अब b नंबर समझिए, इसमें समझिए क्या करना होगा, जो हमें दिया गया वो लेंगे समुच्चय, ठीक है, समुच्चय हमें दिया गया था 1, 3, 5, हम क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं, 1, 3, 5 दिया गया था, इसमें 1 माइनस 3, जैसे a माइनस बी हम ले रहे थे इसके पहले में a माइनस बी, उसी तरह से हम 1 माइनस 3 लेंगे, 1 माइनस 3, 1 माइनस 5, ठीक, और 3 माइनस 5, ये तीनों सभी संख्या क्या है, सम संख्याएं बनाएगा, सम संख्याएं हैं, ठीक, ये सभी सम संख्याएं बनाएंगे, इसके सभी अवयव एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे। तो लिखेंगे इसके सभी अवयव एक दूसरे के संबंधित है,
संबंधित है। ठीक, ये चीजें लिख दिया। फिर लिखेंगे समुच्चय 2 4 2 4 में 2 माइनस 4। ठीक है, अब समुच्चय 2 4 में एक तो हमारा 1 3 5 ये था और दूसरा 2 4 था, तो इन दोनों समुच्चय में हम लेंगे। पहले के लिए तो मैंने ये कर लिया और दूसरे के लिए 2 4 में हम क्या करेंगे, 2 माइनस 4। ये भी एक सम संख्या है, सम संख्या है। क्लियर है, इसके बाद ये भी एक दूसरे के अवयव के संबंधित हो गए, तो लिखेंगे एक दूसरे अवयव के संबंधित होंगे। ठीक है, ये भी एक दूसरे के संबंधित बनाएंगे, परंतु या लेकिन कुछ भी आप लिख सकते हैं, परंतु या लेकिन कुछ भी लिख सकते हैं। 1 3 और 5 ये तीन चीजें और 2 4। ठीक है, कौन कौन सा, 1 3 5 और 2 4 के अवयव आपस में कभी भी संबंधित नहीं होगा। ये अलग संबंध बनाएगा और ये अलग संबंध बनाएगा, लेकिन ये दोनों जो है आपस में कभी भी संबंध नहीं बनाएंगे। तो लिखेंगे आपस में कभी भी संबंध नहीं बनाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया, तो इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। 1 माइनस 2 3 माइनस 4 और 4 माइनस 5 ये भी सम संख्या होंगी, सम संख्याएं। ये तीनों चीजें क्या होंगे, सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर PQ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। देखिए यहां पे बोल दिया कि P का जो दूरी है वो Q के दूरी के समान है। ठीक, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये भी बता रहा है। पुनः सिद्ध कीजिए कि पी नॉट इज इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक दूसरे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आधार पे लगाना है। तो हमें जो दिया गया हम वो लिखेंगे, दिया है क्या दिया गया है, हमें दिया गया P की जो है वो मूल बिंदु के समान दूरी पर है। तो लिखेंगे R जो है वो P की जो बिंदु है वो क्या है, मूल बिंदु से P तथा Q की दूरी समान है। ठीक, ये चीजें लिखेंगे कि P और Q जो दो बिंदु हैं वो दोनों मूल बिंदु के समान है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि PQ OP बराबर OQ। ठीक, O हमारा मूल बिंदु है, तो OP की जो दूरी होगा वो OQ के दूरी के समान होगा, बराबर होगा। तो इससे क्या पता चला, अगर दोनों आपस में बराबर है तो R क्या है, स्वतुल्य होगा। जब स्वयं के बराबर होगा तो वो स्वतुल्य होता है, क्योंकि OP बराबर है OQ के, इसलिए ये स्वतुल्य है। ठीक, अब सममित के लिए देखिए, सममित के लिए समझिए, जब OP बराबर OQ है तो हम क्या लिख सकते हैं, OQ बराबर OP भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में अगर OP OQ के बराबर है, OQ OP के बराबर है, तो ये क्या है, सममित है। ये हो गया सेकंड के लिए। अब बात करेंगे थर्ड, किसके लिए, संक्रमक के लिए। तो संक्रमक के लिए समझिए, संक्रमक के लिए ठीक है, OP बराबर है OQ के, यहां तक तो आपको पता है कि OP OQ के बराबर है, तो OQ बराबर है OR के, जो एक अलग बिंदु लेंगे क्योंकि संक्रमक के लिए 3 बिंदु जरूरी है, तो OP बराबर OR के होगा। तो इससे पता चला तीनों आपस में बराबर है, तो ये संक्रमक भी होगा, R संक्रमक है, संक्रमक भी है, सममित भी है और स्वतुल्य भी है, तीन चीजें हैं। तो लिखेंगे R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो ये हो गया पहला कंडीशन सिद्ध करने के लिए। अब दूसरा कंडीशन समझ लीजिए, तो दूसरे के लिए लिखेंगे, मान लीजिए OP बराबर R जो कि हमारा एक त्रिज्या है, बिंदु P एक वृत्त में रहता है जो R से
जो O से R दूरी पर है। ये हो गया सेकेंड के लिए, आप इतना लिख के छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1 T2 के समरूप है, मतलब T1 जो है T2 त्रिभुज के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये बताना है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, फिर लिखा है तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये चीजें बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहां से कि सबसे पहले जो जो दिया गया वो चीज हम लिखेंगे। A बराबर एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, इस पे हमें निकालना है कि एक समतल है उस पे जो त्रिभुज है उसी के अनुसार हम निकालेंगे। तो R बराबर T1 और T2 जो है वो समरूप त्रिभुज बताया गया क्वेश्चन में, उसके अनुसार निकालेंगे। फिर समरूप होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए देखिए। तो प्रत्येक त्रिभुज हमेशा अपने का क्या होता है, समरूप होता है, अपने आप का समरूप, अपने आप का बराबर होता है, इसलिए वो स्वतुल्य होगा। सममित के लिए देखिए, यदि त्रिभुज T1 T2 समरूप है तो त्रिभुज T2 और T1 भी समरूप होगा, यदि T1 T2 के बराबर है तो T2 T1 के बराबर होगा, इसलिए ये सममित भी होगा। इस तरह से आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगला संक्रमक के लिए क्या लिखेंगे, यदि त्रिभुज T1 T2 और T2 T3 समरूप है, मतलब T1 T2 के बराबर है और T2 T3 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है T1 T3 के भी बराबर होगा या समरूप होगा, इसलिए ये तुल्यता संबंध को बनाएगा। तो उसका सेकंड पार्ट हम क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट जो हमारा त्रिभुज की भुजा दिया गया था उसके लिए, त्रिभुज T1 की जो भुजा दिया गया था ये दिया गया है, T2 की भुजा ये दिया गया है और T3 की भुजा ये दिया गया है, ये तीन क्वेश्चन में दिया गया अलग अलग से। फिर आगे लिखेंगे 3/6, ठीक है, पहला का पहले भुजा से लेंगे 3/6 1/2 आ जाएगा, फिर 4/8 दूसरा को दूसरा से भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 5/10 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि त्रिभुज T1 T3 आपस में समानुपाती है, इसलिए यह समरूप त्रिभुज बनाएगा। फिर लिखेंगे अतः त्रिभुज T1 और T3 आपस में संबंधित होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है देखिए, सबसे पहले जो चीजें दिया गया वो लिखेंगे। दिया गया हमें A बराबर बहुभुजों का समुच्चय बराबर है, ये चीजें दिया गया तो हम वो चीजें लिख लेंगे। फिर P मतलब P1 और P2 बिलोंग टू R, P बिलोंग A, ये A में मौजूद है, तो लिखेंगे R सममित है यदि बहुभुज P1 और P2 की भुजाएं N हो, तो बहुभुज P2 और P1 की भुजाएं भी N होंगी। जब P1 P2 की भुजाएं N हो तो P2 और P1 की भुजाएं भी N होगी। पहले P1 P2 अगर N हो रहा है तो P2 भी P1 भी N ही होगा। आगे बहुभुजों P1 P2 तथा P2 P3 में जब प्रत्येक की भुजाएं N हो तब P1 और P3 की भुजाएं भी N होगी, इसलिए ये संक्रमक है। तो ये रहा पहला कंडीशन स्वतुल्य, सममित और संक्रमक के लिए। अब दूसरा जो कंडीशन उठता है वो उठता है कि T बराबर एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं हमें दिया गया है क्वेश्चन में, वो चीजें मैं लिख लिया। फिर T की भुजाओं की संख्या 3 है, अतः एक 3 भुजाओं वाले सभी बहुभुज R द्वारा T से संबंधित मौजूद है, एक सभी त्रिभुज R द्वारा T से संबंधित है, इस प्रकार के A में उन सभी तत्वों का समुच्चय जो R द्वारा T से संबंधित है। तो जितने भी विद्यार्थी फेयर कर रहे हैं वो इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, आपको अलग से बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन लिखा है मान लीजिए कि XY तल में स्थित समांतर रेखाओं का समुच्चय है, तो ये है समांतर रेखाओं का समुच्चय L है, और L में R द्वारा या R बराबर L1 L2
L1 समांतर है L2 के, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। फिर आगे द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ये पहला चीजें सिद्ध करना है, और दूसरा चीजें देखिए क्या सिद्ध करना है, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये चीजें भी हमें ज्ञात करना है, और ये चीजें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो समझिए सिद्ध कैसे करेंगे। हमें दिया गया है एल बराबर एक्स वाई, जो कि समस्त में सभी रेखाओं का समुच्चय हमें दिया गया था। फिर पहला नंबर लेंगे R बराबर L1 L2, जो कि समांतर है। फिर R स्वतुल्य होगा, क्योंकि प्रत्येक रेखा अपने आप का हमेशा समांतर होता है, हर रेखा अपने आप का समांतर होता है। तो L1 L1 का समांतर होगा, L2 L2 का समांतर होगा, इसलिए यह स्वतुल्य होगा। फिर सममित क्यों होगा, क्योंकि L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी समांतर है L1 के, इसलिए यह सममित भी होगा। यदि L1 L2 और L2 L3 भी समांतर है रेखाएं, तो L1 L3 के भी समांतर होगा। जैसे ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो L1 और L3 भी क्या होंगे, समांतर होंगे। जब ये तीनों समांतर होंगे तो लिखेंगे L1 L3 बिलोंग टू R, इसलिए ये संक्रमक भी होगा। जब तीनों चीजें मौजूद होता है तो हम लिखते हैं तुल्यता संबंध, तो लिखेंगे अतः R तुल्यता संबंध है। यह है पहला कंडीशन। चलिए दूसरा देखिए जो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए y बराबर 2x प्लस c हमें दिया गया था क्वेश्चन में, जबकि c कोई भी स्वेच्छ मान रख सकता है या रखता है। y बराबर 2x प्लस 4, यहाँ पे c के स्थान पर मैंने 4 ले लिया, से संबंधित रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस c है, जहां c बिलोंग टू R का समुच्चय है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इससे प्रश्नावली मिलते रहेंगे। अगला जो प्रश्नावली बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा 1H, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।